फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को आज ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन एक दिन पहले हाईकोर्ट में उन्होंने दोबारा याचिका लगाई है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है। इस मामले में कल ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि फिलहाल प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। प्रतिभा सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोपी है। हाईकोर्ट को ईडी ने बताया कि प्रतिभा सिंह से मंगलवार को पूछताछ की जानी है। अगर उसके बाद एजेंसी को ये लगा कि प्रतिभा के खिलाफ केस बनता है तो वो प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करने से पहले कोर्ट को इसकी जानकारी देंगे। प्रतिभा सिंह ने कल अर्जी दायर कर 24 अगस्त तक गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। अब इस मामले में 24 अगस्त को सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यक्रम 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के मुताबिक इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना विकसित करना है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि इस अभियान का मकसद हर व्यक्ति में ये भावना विकसित करना है कि राष्ट्र पहले है और व्यक्ति बाद में। ये लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के आजादी की लड़ाई में दिए गए महान बलिदान की याद दिलाएगा। नायडू ने कहा 15 अगस्त से एक सप्ताह की तिरंगा यात्रा भी लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए शुरू की जाएगी। सांसद और विधायकों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा में भाग लेने को कहा गया है। कल शाम लोकसभा में भी जीएसटी बिल पास हो गया। इस पर वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी बिल का मतलब ग्रेट स्टेप्स बाय क्लीन इंडिया है। ये बिल साबित करेगा कि आखिरकार कंज्यूमर ही किंग होगा। बिल देश की गरीबी से लड़ने के लिए गरीबों की फौज की मदद करेगा। इसलिए बिल के तहत गरीबों के काम आने वाली चीजों को कर के दायरे में बाहर रखा जा रहा है। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी बिल को संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया। जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया भी अदा किया। जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया जा रहा है। जेटली ने इससे पिछले एक दशक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म करार दिया था। यूपी और देश की राजधानी में हलचल मचा देने वाले बुलंदशहर गैंगरेप के मुख्य आरोपी सहित 3 शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने कल देर शाम मेरठ के मावाना में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में 2 की पहचान सलीम और जुबेर के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए 3रे आरोपी की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मेरठ जोन के आईजी का दावा है कि पकड़े गए 3 आरोपी छेमार बावरिया गिरोह के सदस्य हैं। मुख्य आरोपी सलीम सहारनपुर का रहने वाला है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने के लिए आईजी नोएडा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही वह बुलंदशहर गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ने के लिए चलाए गए विशेष अभियान का खुलासा करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के बीते 1.5 साल यानी जब से सरकार बनी है तब से लेकर अब तक के सभी फैसलों की फाइलें मंगाई है। दिल्ली सरकार के सूत्रों से ये खबर आई है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आप सरकार के फैसलों की समीक्षा की जाएगी। एलजी नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के सभी उच्च अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी कोई भी फाइल मंत्रियों को ना दिखाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार का वो नोटिफिकेशन जिसमें सर्विसेज को केंद्र सरकार का विषय बताया गया था वो सही है। इसके बाद अब एलजी ने इस विषय को दिल्ली सरकार से अपने तहत ले लिया है। कश्मीर घाटी में गत 1 महीने से हिंसा जारी रहने के बीच सेना को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को नियंत्रण में लेने और प्रदर्शनों में शामिल होने के वास्ते ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों का आवागमन रोकने का निर्देश दिया गया है। इस कदम पर जहां कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन मामले के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और आतंकवाद निरोध में स्थानीय पुलिस की सहायता करने वाली सीआरपीएफ को सड़क खोलने के कार्य से हटा लिया गया है। इसके साथ ही सेना से कहा गया है कि वे राजमार्ग नियंत्रण और कॉरिडोर संरक्षण का काम करे जो अर्धसैनिक बल द्वारा किया जाता था।
जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चाहती है कि केंद्र सरकार कश्मीर में शांति के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत समेत सभी भागीदार पक्षों से बातचीत का सिलसिला शुरू करे। उन्होंने कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में सूबे में शांति का फॉर्मूला सुझाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव नहीं दोस्ती का सेतु बनाना चाहती है। कश्मीर में सभी धड़ों के बीच सार्थक सकारात्मक और परिणामदायी वार्ता की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार से समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर पर साहसिक फैसला लेना चाहिए। गृह मंत्री से महबूबा की मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से इस मसले पर चर्चा की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने और वार्ता शुरू करने पर विचार विमर्श हुआ। ओलंपिक में भारत की हार का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक भी देश के हिस्से में कोई पदक नहीं आ सका है। टेनिस वुमेन्स डबल्स में सानिया मिर्जा और पुरुष डबल्स में लिएंडर पेस और रोहन बोपन्ना के बाद शूटर अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक से एक कदम दूर रह गए। कल भारत के लिए बुरी खबरों की लाइन लगी रही। रियो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम पुल बी के मुकाबले में ब्रिटेन के हाथों 0-3 से हार गई। भारतीय महिलाएं जरा भी लय में नजर नहीं आई और गेंद अपने पास रखने में संघर्ष करती दिखी। रियो ओलंपिक में हॉकी के मुकाबले में आखिरी 3 सेकंड में जर्मनी के द्वारा किए गए गोल ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 1-1 की बराबरी पर चल रही टीम इंडिया को 2-1 से शिकस्त झेलनी पड़ी। जर्मनी को हराकर भारतीय हॉकी टीम न सिर्फ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाती बल्कि अपने पुल में मनोवैज्ञानिक बढ़त भी हासिल करती। लेकिन मौजूद ओलंपिक चैंपियन जर्मनी ने खेल खत्म होने के महज 3 सेकंड पहले गोल कर मुकाबला जीत लिया। जर्मनी के लिए ये महत्वपूर्ण गोल क्रिस्टोफर रूल ने किया। ओलंपिक में भारत की जर्मनी के खिलाफ ये चौथी हार है। भारत को अपने तीसरे पुल मैच में आज अर्जेंटीना से भिड़ना है। भारत अपने पहले मुकाबले में आयरलैंड को हरा चुका है। आज से जमैका में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने की वजह से टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। मेजबान वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन जबरदस्त खेल दिखाया था और भारतीय टीम की जीत की उम्मीदों को तोड़कर रख दिया था। पहले टेस्ट में पारी और 92 रनों से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट में भी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन आखिरी दिन रोस्टन चेस की 239 गेंदों में 137 रनों की पारी की बदौलत मेजबान टीम मुकाबले को ड्रॉ करने में कामयाब रही थी। बावजूद इसके भारतीय टीम मेजबानों से बेहतर नजर आ रही है। डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। भारत इससे पहले इस मैदान पर 2006 में खेला था, वो मैच ड्रॉ रहा था। सिंगर से नेता बने बाबुल सुप्रिया आज शादी कर रहे हैं। वे जेट एयरवेज में काम करने वाली रचना शर्मा से शादी कर रहे हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडवांस में ही उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दे दिया है। दरअसल बाबुल की शादी में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ऐसे में मेहमानों को रुकवाने के लिए उन्हें बंगाल भवन में कुछ कमरे चाहिए थे। ममता बनर्जी ने उन्हें निराश नहीं किया और बंगाल भवन में उनके लिए 14 कमरों का इंतजाम कर दिया। साथ ही साथ ममता ने ये भी कहा कि बाबुल इसे शादी का तोहफा समझ सकते हैं। रचना शर्मा पंजाब के जलंधर की है पर पिछले 2 सालों से उनका परिवार कोलकाता में रहा है। बाबुल और रचना की मुलाकात कोलकाता से मुंबई की फ्लाइट के दौरान हुई थी। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।